ये मुझसे पूछ रहा है क्या मैं कुणाल को समझता हूँ? क्या हम में से कोई भी कुणाल को समझता है? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तुझे मैं बोल रहा हूँ, इतना अकेला रहेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। चल वो सब छोड़, सब वो सब बात की बातें। तू दवाई वाई टाइम से ले रहा है? हाँ हाँ दवाई वाई तो मैं खा रहा हूँ, लेकिन भाई देख अगर तेरे पास आइडिया हो तो बता। तू एक काम कर, अपने जैसा एक रूममेट रख ले, ऑनलाइन ऐड डाल दे, तेरे लोकेलिटी में आसपास कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। हाँ देख फिर रूममेट तो कैसा भी आ सकता है ना। चल ठीक है, तू कह रहे तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, बाद में कॉल करता हूँ। अरे सुन, तूने वो ऐड डाल दिया क्या? मैं वो सोच रहा था कि अगर मैं ना, 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 तो उस सब चीजों की जरूरत नहीं है, वो मैं खुद कर लूंगा। मैं से कोई आ जाता तेरे साथ रहने। तुम्हारा मेरा बैग सेम है। हाँ अपना ही समझो, तुम्हें से चुराया। और वो रहा फोन, कुछ खाने को मंगा लो, भूख लग गई, वॉशरूम उधर है, मैं हो गया। कुणाल की कुछ आदतें थीं जो मुझे सच में बिल्कुल पसंद नहीं थी, जैसे गिटार तो था बट बजाना। यार ये रोज रोज नया नया ब्रेकफास्ट कौन बनाता है?
आज क्या बनाया है? क्या करूं मैं इसका? पर उसकी एक चीज थी जो मुझे सच में बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, खुद ही देखिए। ये करते क्या रहते हो? तो ट्रॉलिंग का नाम सुना है? अच्छा, रोस्टिंग का। यार थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मुझे पता है तो तुम्हें तो पता ही होगा। मुझे याद तो आ रहा है कि मतलब किसी दूसरे बंदे के कमेंट पे आप कमेंट करो और वो ऑफेंड हो जाए, शायद ऐसा ही कुछ। हाँ तुम गलत नहीं हो, लेकिन इसमें मजाक बहुत आता है और तुम्हें ट्राई करना चाहिए। हाँ तो ये कितना गलत है? गलत कुछ नहीं है, तुम्हारी ऑनलाइन आइडेंटिटी तुम्हारे रियलिज्म से बहुत अलग है। तुम इसमें वो रूटीन लाइफ नहीं जी रहे हो जिसमें तुम दवाइयां खा रहे हो, ऑमलेट खा रहे हो, है ना? कुछ गलत नहीं है इसमें, कम से कम कुछ अलग करने की कोशिश तो करो। तो शुरू करें। थोड़ी ज़्यादा मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगी है, मतलब कम से कम मुझे दवाइयों के सहारे नहीं सोना पड़ता। हाँ हाँ थैंक यू बाद में बोलना, लेकिन ये जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, इसका एक आदि सब याद है तुम वो आर्टिकल पढ़ रहे थे एथिकल हैकिंग वाला? हाँ हाँ। अगर हम तुम हैकिंग सीख जाते हो तो हम पता है क्या क्या कर सकते हैं? तुम सीखना चालू करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। ये वो टाइम था जब मुझे कुणाल को रोक देना चाहिए था, मगर मुझे सीखता था नहीं। तुम सीखो, वो मुझे चीजें याद नहीं रहती ना, तो लेकिन मैं बता सकता हूँ इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो एक काम करो, तुम सीखो, फिर मैं बताता हूँ कि उसको क्या चाहिए।
कुणाल कुणाल क्या भाई क्या कर रहे थे रात में? थके हुए लग रहे हो? तुम थके हुए लग रहे हो? मैं ले छोड़ो, क्या कर रहे थे रात में? प्रोग्राम बनाया मैंने। प्रोग्राम हैकिंग सीखी थी ना तुमने? उसका फायदा उठाया मैंने। एक प्रोग्राम है, देखो कई ऐसे अमीर हैं दुनिया में जिनके पास बहुत फालतू का पैसा है, तो इस प्रोग्राम की मदद से हम उनके बैंक अकाउंट में घुस जाएंगे और कुछ पैसे क्रेडिट वो दे देंगे, कुछ पैसे खुद रख लेंगे। ऐश सिंपल भाई, एक चीज़ बताओ, तुम बचपन में मतलब सिर के बल गिरे रहे थे? देखो मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, तुम गिरे थे क्या? मैं नहीं गिरा यार, तुम ये सब छोड़ो, तुम पागल तो नहीं हो गए? पता है इस समय कितना खतरा है बेटा, बहुत बुरा फंस जाएंगे। इतना कर ही लिया तुमने, सब सोच ही लिया, तो नाम भी सोच ही लेते ना फिर। हाँ यार, नाम तो रखा ही नहीं। रॉबिन हुड क्या? तुम ही ने बोला था प्रोग्राम का नामकरण नहीं किया, अब कर दिया। भाई बस करो ये सब। क्या हुआ? मैं जहाँ तक मजाक उड़ाने की बात थी ना, वहाँ तक ठीक था, उड़ाओ मजाक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस सब में इतना खतरा है ना कि तुम्हारे साथ मैं भी फंस जाऊँगा। हाँ वो सब मुझे भी पता है, और एक बात याद रखो, तुम फंसे ना तो मैं भी फंस जाऊँगा। हम दोनों अलग नहीं हैं, इतना दिमाग मेरे अंदर भी है। कभी कभी ना आपको पता नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला है। कुछ ऐसा ही टाइम था। कुणाल कुणाल लद यार, बेटा तो ठीक है ना? तूने न्यूज़ देखी? वो जो लड़के ने सुसाइड की है वो तेरे ही एरिया का था क्या? हाँ यही हुआ है। ये बताओ कैसे हुआ? ये बता
पिछले 2 महीने से फोन क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? कॉल्स? मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आई। तू अपनी दवाइयां तो टाइम से ले रहा है ना? नहीं, आजकल उनकी जरूरत नहीं पड़ रही मुझे अपनी। अगर तू बोल तो कुछ दिन तेरे पास रहने आ जाऊं बेटा कुनाल। अरे नहीं नहीं तो क्या इन्हें फिर से बोलना, क्या बोलिया? ये आप कुनाल को कैसे जानती हैं? क्या मजाक कर रहे तुम? एक माँ अपनी बेटी का नाम कैसे भूलेगी? जाके अपनी दवाइयाँ खा। मैं आपको अभी अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ये बड़ा जाना बजाना सा लगा है। कौन है? अरे ये अभी ये तो वही है जो पीछे रहता है, वो 12 साल का लड़का। बट ये इंटरनेट पे क्या कर रहा है? अब इंटरनेट पे है तो मजा थोड़ा आना पड़ेगा। नहीं नहीं इसका नहीं, बहुत छोटा है यार अभी तो। जब इंटरनेट पे है तो मतलब इतना समझदार है कि मजाक और सीरियस में मतलब समझेगा। चिंता मत करो। मैंने कहा था मेरे बारे में किसी से बात नहीं करना, पागल समझेंगे लोग तुम्हें। अब तुम्हारी माँ इधर काम तो मिल रही है। कौन हो तुम? अभी तक समझे नहीं? मैं तुम्हारे ही दिमाग का खेल हूँ। तुम और मैं एक ही हैं। मैं वो हूँ जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे पर कभी बन नहीं पाए। एक काम करो, टाइम में जरा पीछे जाओ, याद करो मैंने तुमसे क्या कहा है। अब मेरा मुंह मत देखो, पीछे जाओ। तुम्हारा मेरा बैग से है। हाँ अपना ही समझो, तुम्हें चुराया। यार थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मुझे पता है तो तुम्हें तो पता ही होगा। चीज बताओ, तुम बचपन में मतलब सिर के बल गिर गए थे? मुझे तो याद नहीं है, तुम गिरे थे? एक बार याद रखो, अगर तुम फंसे ना तो मैं भी फंस जाऊंगा। इतना दिमाग मेरा ही जरूरी है। और हाँ एक और चीज, जो प्रोजेक्ट रॉबिन है ना हमारा, वो चालू हो चुका है। मना किया है ना? ना तुम्हें कितनी बार मैंने बोला है तुम मुझे नहीं मार सकते।
रुकोगे? बोल। अब समझे कुनाल कौन है? अगर तुम मेरी सोच हो तो ये चक्कू तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में। उसे रोकने की सोचना भी मत। कोई फायदा तो हुआ? दिमाग भी बड़ी अजीब चीज़ है, शख्सियत ही बदल देता है।